सागर में कटरा और इसके आसपास फुटपाथ के सहारे अपना व्यवसाय करने वाले फुटपाथी असंगठित कामगारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग और निगम प्रशासन द्वारा मुख्य बाजार में व्यवस्था बनाने के नाम पर अतिक्रमण हटाने की जा रही दमनकारी कार्रवाई से आक्रोशित फुटपाथी कामगारों को जब मामले में नगर के जनप्रतिनिधि विधायक शैलेंद्र जैन सहित निगम प्रशासन के पास रोजगार बचाने की गुहार लगाने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल सामने नहीं आई, तो उन्होंने आज युवक कांग्रेस के बैनर तले संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए आर या पार का मन बना रैली निकाल निगम कार्यालय पहुँच जमकर विरोध प्रदर्शन की स्वर मुखर करते हुए पहले कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठ धरना देते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और फिर निगम कार्यालय में तालाबंदी करने का प्रयास किया, जहां प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल आक्रोशित फुटपाथी कामगारों को शांत कराया। इस दौरान आयोजित प्रदर्शन की कमान संभाल रहे युवक कांग्रेस नेता निखिल चौकसे के साथ फुटपाथी संघ से जुड़े महिला पुरुषों ने मामले में रोज रोज होने वाली कार्रवाई से उनके रोजगार पर संकट मंडराने पर बनी परिस्थितियों पर पनप रहे आक्रोश पर विधायक शैलेंद्र जैन और नगम आयुक्त को खूब कड़ी खोटी सुना हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया और फुटपाथी कामगारों के साथ दोगली मानसिकता के साथ होने वाली भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराते हुए निगम प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि को चेताते हुए उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंप सभी फुटपाथी कामगारों की कटरा के पास 300 मीटर के दायरे में विस्थापन की व्यवस्था करने एवं त्योहार के सीजन के चलते सभी लोगों को फिलहाल यथास्थान कारोबार करने की अनुमति देते हुए चालानी कार्रवाई पर रोक लगाने की आवाज उठाई और मांग पूरी नहीं होने की सूरत में उक्त आंदोलन का बिगुल बजा प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रदर्शन को लेकर निखिल चौकसी ने बताया कि संविधान में रोजगार के मौलिक अधिकार का प्रशासन, जनप्रतिनिधि और पुलिस हनन पर असंगठित कामगारों को जबरन परेशान कर रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने असंगठित कामगारों को रोजगार के नाम पर सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग राशि का भी दिखावा करार दिया और भाजपा की कथनी करनी पर उसे आड़े हाथों लेते हुए होने वाली कार्रवाई को अनुचित करार दिया। इस मामले में मिले आवेदन पर निगम प्रशासन के अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई कर दम भर किसी का भी रोजगार प्रभावित ना हो ऐसी व्यवस्था बनाए जाने का भरोसा दिला रहे हैं। कांग्रेस देखिए लगातार कोतवाली पुलिस द्वारा, लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा और नगर निगम के अमले द्वारा कटरा बाजार के चारों तरफ स्थित असंगठित कामगार, ठेले वाले, वो लोग जो 200-300 रुपए कमाई करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उन तमाम लोगों को उनके काम धंधे से भगाकर निगम की चालानी कार्रवाई करके ठेला पकड़कर उनके ठेलों के सामानों को पलटाकर लात मारते हो, उनको लात मारकर, ये जहाँ पब्लिक की खुद कह रही है लात मारकर इनको वहाँ से भगाया जा रहा है, इनके अधिकारों को छीना जा रहा है। संविधान इस भारत के नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, काम कमाने का अधिकार देता है। इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं ठेले वालों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन देकर इन सबको पथ विक्रेता माना है, लेकिन जब ये पथ विक्रेता काम करने के लिए निकलते हैं तो इन पथ विक्रेताओं को वहाँ से भगाया जाता है। मतलब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इन लोगों को 10 हज़ार रुपये उधार देकर इनको सत्ता के हाथों के तले दबाना चाहते हैं, लेकिन जब ये अपनी कमाई से रोजी रोटी करने जाते हैं तो इनकी पुलिस, इनका निगम प्रशासन वहाँ से भगाता है। इसलिए हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के, युवक कांग्रेस के हमारे साथी और उस कटरा बाजार के तमाम फुटपाथी साथी यहाँ आए और ये चेताने आए हैं कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया, हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि निगम प्रशासन और कोतवाली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस द्वारा वहाँ पर चालानी कार्रवाई रोकी जाए और हम तमाम सारे लोगों को, इनको एक स्थान नियत कर दिया जाए कटरा बाजार के 300 मीटर की दूरी पर, ये सारे लोग वहाँ बैठकर अपना व्यापार, अपना बाजार करने के लिए ये सारे लोग बाध्य होंगे। इन सब लोगों का ये कहना है और ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन अगर ये बात नहीं मानेंगे, अगर निगम प्रशासन, अगर ये ट्रैफिक पुलिस बात नहीं मानेंगे तो भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे पूरे साथी सारे लोग
उसी कटरा बाजार में जब पुलिस आएगी तो हम सारे लोग लाठी डंडे इनके बदले के खाने के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। शहर विधायक जी ने भी इनको आश्वासन दिया हुआ है। शहर विधायक जी का कहना है कि हम आप सारे लोगों को एक स्थान पर बैठा देंगे, लेकिन पिछले 6 महीने से वो स्थान कौन सा रहेगा और कब बिठाएंगे इस बात की जिम्मेदारी शहर विधायक आज तक नहीं ले रहे। अल्टीमेटम कितने दिन का दिया है, कब तक? ये अल्टीमेटम की कोई बात नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, त्यौहार का समय है, हर व्यक्ति को अपना त्यौहार मनाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को संविधान के जो मौलिक कर्तव्य मौलिक दायित्व जो मिले हैं मौलिक अधिकार जो मिले हैं उनको उनके हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। अगर कल भी ये पुलिस वहाँ आएगी, कल भी निगम कर्मचारी आएंगे, चूँकि ये त्यौहार का दौर है, अगर इनको भगाने आएंगे तो इनके साथ हम सारे लोग इस पुलिस को इस निगम के अमले को भगाने के लिए आएंगे। ये भारतीय युवा कांग्रेस के तरफ से ज्ञापन दिया गया है जिसमें इन्होंने दो मांगे रखी हैं। इसमें इन्होंने एक तो कटरा बाजार के समीप जो असंगठित कामगार हैं उन पर चालानी कार्रवाई नहीं की जाए, ये मांग की है, और दूसरा इन्होंने कहा कोई उचित स्थान इनको दिलाया जाए। तो दोनों मांगे ऐसी हैं कि जिसपे परीक्षण करने के पश्चात इनको जो उचित स्थान है जहाँ इनको व्यवस्थित तरीके से बैठाया जा सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन मनसा ही रहती किसी को भी मतलब रोजगार से ना रोका जाए, लेकिन उनको व्यवस्थित तरीके से बैठाने की भी जिम्मेदारी शासन की और प्रशासन की है, तो इसलिए जो भी व्यवस्थित तरीके जगह होगी इनको वहाँ निश्चित रूप से इनको बैठाया जाए। सर ये कितने दिन में निर्णय हो पाएगा? सर ये आज इनने दिया है, अभी त्यौहार का मौसम है, थोड़ा त्यौहार का और ये सब करके पर और स्थान का परीक्षण करके तत्काल की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस दिन अभी 2-3 स्थान अभी देख रहे हैं उसमें कौन सी व्यवस्था जिनके लिए रहेगा उचित रहेगा उसको करके। सर जैसे कि उनका कहना है कि आप लोग ठेले लेके आए जब्ती में वो वापस करेंगे क्या? उसका तो नियमानुसार जो कार्रवाई वैधानिक है वो की जाएगी। ठीक।